दोस्तों टीवी दुनिया में लॉकडाउन के बाद नए एपिसोड की वापसी हो गई है। दर्शकों को अपने पसंदीदा शो भी देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ में शोज की टीआरपी भी आने लगी है। आपको बता दें कि 18 तारीख से लेकर 24 जुलाई तक की टीआरपी रेटिंग में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने नंबर 1 रैंक हासिल किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे शो हैं जो कि इस लिस्ट में बने हुए हैं। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए। साल के 29वें हफ्ते के शुक्रवार को बाढ़ की रेटिंग आई है, तो ऐसे में हिंदी GEC अरबंद की TRP काफ़ी ज़्यादा है। इसके मुताबिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये शो वैसे भी टॉप 5 में लगातार बना ही रहता है। 6477 इम्प्रेशन के साथ ये शो यहाँ पर पहुंचा है। बता दें कि 22 जुलाई से जो नए एपिसोड आए उनके साथ में इसका इम्प्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ा है। नंबर 2 पर TRP की रेटिंग में है एक नया शो जिसका नाम है अनुपमा। ये स्टार प्लस के ऊपर प्रसारित हो रहा है। 3रे नंबर पर कुंडली भाग्य है। रैंकिंग में थोड़ी गिरावट जरूर हुई, लेकिन फिर भी कुंडली भाग्य की रैंकिंग ठीक ठाक बनी हुई है और इसको दर्शकों का प्यार आज भी मिल रहा है। इसका इम्प्रेशन है 5361। 4 नंबर की बात करें तो इस लिस्ट में 4 नंबर है शक्ति अस्तित्व के एहसास के, जिसके इम्प्रेशन 5091 बने हुए हैं और ये नंबर 4 पर अभी भी जिंदा है। 200 नंबर 5 की अगर बात करें तो इसका नाम है छोटी सरदारनी, जो कि इस लिस्ट में नया है। इससे पहले अभी लिस्ट में आया नहीं था। इस शो ने काफ़ी लंबे टाइम बाद टॉप 5 में कमबैक किया, जिसका इम्प्रेशन है 4812। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 शोज की लिस्ट। आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैसा लगता है कमेंट में बताइए जरूर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।